हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं ब्याह अटेंड करने चली हूँ। देखो तुम मेरे सूट देख लो। एंड वी आर गोइंग फॉर वर्क। शी इज गोइंग फॉर वर्क। मैं हैगी हूँ ब्रैम्पटन दे विच। मैरिज अटेंड करने आई सी तो बहुत सोहना लगे कल नाइग्रा देखिया। वो भी तुम दिखाऊंगी ब्लॉग दे विच। तो बड़ी सोहनी सोहनी प्लेसिस हैगियाँ। दिस इज ऑलसो नाइस प्लेस। आप इदा कंपेरिजन नहीं कर सकते वैनकूवर तो ब्रैम्पटन। वी कैनॉट कंपेयर बोथ ऑफ दीज थिंग्स। वो अपनी ब्यूटी है, यदि अपनी ब्यूटी है। सो चाबी दे। दोस्तों मैं पहुंच गई हूं ब्याह वाले घर। सजाया हुआ ब्याह वाला घर पूरा। गड्डियां खड़ी ने। ओके हाँ जी, थोड़ा जहा कहाँ जो एक्शन एक फोटो फोटो खींचो। एक में आप हां जी, मैं कहूंगा जब ये बोली ना आप रखी फिर मेरा। हां जी एक्शन जी, रखो मेरे वाल नहीं देखना, उधर देखना। हां जी आज हां कर लो भाजी, हां कर लो आंटी जी, एकदम देखो कैमरे वाल। स्मार्ट है तुम्हें देखिए इधर सीधा फेस रख हर बिराज राइट साइड में। आज भी लाओ तुम। चलो हम बाकी फोटो करा रहे हैं। पता कर देना दो दो तक की कर देना। कोई स्लोड नहीं पैसे पूरे सारे पकड़ लग गए। हां गड्डी साफ होना था जी। बिटवीन देखो भी कनेडा का व्याह। इधर मीह पै रहा, इधर सेम हसल है इंडिया वाली। ना एक ना फस गए। कुड़ी वाले रेडी ने यार। गुरुद्वारा साहब ब्रैम्पटन का मत्था टेकना एक डॉलर का नहीं, एक यूएस डॉलर का 70 रुपये ने। ये 70 रुपये चले गुरुद्वारे गुरुद्वारा साहेब चले हैं। तो कुड़ी वाले त्यार ने अज इस गुरुद्वारा साहब च गुरुद्वारे साहब के बीच अज जो व्याह सा व्याह है। ठंड बहुत है बड़े व्याह ने अज।
ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਕੋ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਉਣ ਚ ਕੁਛ ਐ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾ ਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਇਟਸ ਫਾਈਨ ਕੋਸਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੰਕਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ मैं बच्चों को जिंदगी लगाओ ठीक है।